आइए रुक करते हैं आज की कुछ ताजा खबरों के। मामला जनपद कानपुर देहात के अमराहट थाना क्षेत्र के अरसुन बांगर गांव का है, जहां पर एक विधवा भाभी को देवर द्वारा छेड़छाड़ का विरोध करना महंगा पड़ गया। देवर ने टॉप 10 अपराधी के साथ मिलकर छेड़छाड़ व जमकर मारपीट की, जिसकी शिकायत विधवा महिला ने अमराहट थाने में शिकायती पत्र देकर न्याय की गुहार लगाई है। लेकिन पीड़ित विधवा महिला की एक न सुनी गई, जबकि उसकी शादी 10 वर्ष पहले रामू के साथ हुई थी। शादी के कुछ वर्ष बाद पति की मृत्यु हो गई थी, जिसके बाद वह ससुराल में अपनी एक मासूम बच्ची के साथ रहती है, जो कि मेहनत मजदूरी कर जीवन यापन करती है। महिला ने बताया कि देवर कुलदीप ने अपने परिवार के निवर्तमान प्रधान पति व टॉप 10 अपराधी ब्रजपाल यादव की सहमति से 3 अप्रैल को नशे में धुत होकर छेड़छाड़ करने लगा तथा गुप्तांगों को पकड़ने लगा, जिसका विरोध करने पर दोनों ने मेरे साथ जमकर मारपीट की। पीड़ित महिला के शरीर में गंभीर चोटें आई हैं। विधवा के हिस्से में आई जमीन को लेकर देवर अक्सर जबरन करता रहता है। क्या हुआ आपको? 10 साल हो गए खत्म हुए हमारे पति का, ठीक है। हमको मारा पीटा है कुलदीप ने। कौन है कुलदीप? कुलदीप मेरा देवर है। क्यों मारता है ये? मारता है, छेड़खानी करता है कि मेरे साथ रहो ना रहो तो यहीं से भाग जाओ। उसके साथ और किसी को कोई मारता है? और प्रधान भी उसकी कार्रवाई करता, पुलिस थाने में पुलिस का बांधे है। क्या नाम है? इसका नाम है विश्वाल। अच्छा, ये दोनों लोग क्या करते हैं? ये दोनों लोग करते हैं बदतमीजी करते हैं। क्या जबरदस्ती करते हैं? छेड़खानी करते हैं। तो आपने शिकायत की? हम ये करना चाहते हैं कि इसको जहाँ तक बनाए इसकी कोई मार सुना नहीं, इसको कार्रवाई करो आगे बढ़ाओ। तो आपने इसकी शिकायत कहीं की थी? कहीं आपने इस मामले की शिकायत कहीं की है? थाने में की थी। कौन थाने में? अमराहट थाने में। तो क्या कहा था वहाँ पर? हमने कहा था इसने हमको मारपीट किया है, मेरी सुनाई नहीं हुई। तो द्वारा क्या आश्वासन दिया गया? कहती थी जाओ आप, पहुँचेगी पुलिस। फिर उसके बाद से? पाँच बजे पुलिस पहुँची थी मोटरसाइकिल से, उस दिन से गई नहीं है। एक दिन और दो दिन गई, तीन दिन गई है, कल गई है 100 नंबर बस। तो आपके साथ क्या मारपीट भी हुई है? हाँ मारपीट भी हुई है। पर कहाँ चोट है आपकी? गले में चोट है, आँखी में चोट है, खपड़ी में चोट है, अद्धा मारा गया, काने में चोट है, कान में मार दिया, सुनाई नहीं पड़ रहा है हमको। तो यहाँ पर किसके पास आप आए थे सुनवाई के लिए? थाने गए थे, तहसील आए थे, सीओ साहब के यहाँ आए थे। तो क्या चाहती हैं आप? आप चाहते हैं कि इसको जहाँ तक बनाए इसको बंद करो। क्या लगता है प्रधान के कहने पर ही सब ये हो रहा है? प्रधान ये सब प्रधान के माध्यम हो रहा है, प्रधान कराया है। क्यों ऐसा करवा रहे प्रधान? प्रधान कराता है इसको, भगा यहाँ से, जगह जमीन जोता हो, हम अपनी बच्ची को लेकर रहना चाहते हैं यहीं पर। तो गुजारा बसर कैसे हो रहा है आपका घर में जब कोई पति नहीं? ऐसे हो रहा है, मेहनत मजूरी करके खा रहे, नरेगा करके पेट जी आ रहे ने। हम गरीब आदमी, हमारे पास कुछ है नहीं कि हम 4 पैसे दे के अपना काम करा ले, वरना हमारे पास कोई पैरवी के लिए है, जिसको लिवा जा तो उसके भी मेरा पीछा करते हैं। कौन करता है पीछा? प्रधान जी पीछा करता है। क्यों करते हैं? किस वजह से करते हैं? इस वजह से करते हैं, कहीं जाओ नहीं राजी हो जाओ, जबरदस्ती करा रहे हैं। फिलहाल के लिए बस इतना ही, ऐसी ही ताजा तरीन खबरों के लिए बने रहिएगा हमारे साथ। नमस्कार।